रॉंग साइडने आलेल्या टेम्पोला रिक्षाने धडक दिल्याची घटना उल्हासनगरात घडली आहे. या अपघातात रिक्षा चालक जखमी झाला असून त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू केलेत. नवनाथ मोरे असं जखमी रिक्षा चालकाचं नाव आहे. नवनाथ हा कल्याणहून व्हीनस चौकात भाडं घेऊन आला होता. तिथून लाल चक्कीकडे जात असताना रस्त्यात एक टेम्पो अचानक यू टर्न मारून नवनाथच्या रिक्षेसमोर आला, त्यामुळे नवनाथ यानं थेट या टेम्पोला धडक दिली. या अपघातात रिक्षेच्या समोरच्या भागाचं नुकसान झालं असून रिक्षेच्या काचा नवनाथच्या चेहऱ्यात घुसल्यानं त्याला मोठी इजा झाली आहे. या घटनेनंतर टेम्पो चालकानेच त्याला उचलून जवळच्या खासगी रुग्णालयात दाखल केलं. चूक कोणाची ते नंतर बघू, पण आधी माणुसकी म्हणून आपण रिक्षा चालकाला रुग्णालयात आणल्याचं या टेम्पो चालकानं सांगितलं. विदास से लाल चक्की की तरफ जा रहा था, मेरा ओला का भाड़ा था, तो बीच में सर्कल था, तो उस जो टेम्पो वाला है उसने अचानक से स्पीड में मेरे गाड़ी के सामने गाड़ी डाल दी और फिर डिस्टेंस कम होने की वजह से मैंने वो गाड़ी को ठोक दिया. मतलब वो रॉन्ग साइड में आ गया था और कांच के ऊपर मेरा सर पटक गया. मैं विनेस की तरफ विदेशी ग्राउंड जा रहा था, रिक्शा वाला सामने से आ रहा था, तो मैंने यूं टर्न लिया, वो सामने से आ रहा था, उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, तो सामने दोनों का टक्कर हो गया. टक्कर हुआ तो उनके रिक्शे का टूट गया, तो रिक्शे से बाहर गिर गए, तो मैं भी गाड़ी रोक के साइड में देखा तो उनको खून निकला, तो मैंने ताबड़तोड़ उनको उठाया, पहले उनको सीनियर हॉस्पिटल में लेकर आया. बाकी जो भी बाद में मैं देखूंगा, पहले अभी मेरी उनसे दुश्मनी नहीं ना, वो मुझे जानते मैं जानते हैं इंसान के साथ, उनको चोट लगा मैं लेके चला आया चुपचाप. अब गलती उनकी है कि मेरी है वो तो बाद में दिखाई जाएगी, लेकिन उनको चोट लगा सबसे पहले मेरा काम था उनको हॉस्पिटल लेकर, वो मैंने कर दिया. दरम्यान या अपघाताप्रकरणी पोलीस ठाण्यात कोणतीही नोंद करण्यात आलेली नाही. ABC News उल्हासनगर.